बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम के व्यूअर, कैसे हैं आप? गोशी किचन में वेलकम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आज हमारी रेसिपी है कीमा करेला। तो उसके लिए मैंने करेले काट के नमक लगा के छोड़ दिए थे। अब मैंने कीमा लिया है 1 kg, और इसमें मैंने एक प्याज लिया है 2 चम्मच, मैंने इसमें पिसी मिर्चें ली हैं, हल्दी ली आधी चम्मच, और मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट लिया है, और इसके अंदर मैंने टमाटर वगैरह ऐड कर दिए हैं। और इसके बाद मैंने आधे घंटे के बाद, ये कंडीशन है इसकी, और अब ये कीमा डन हो चुका है। और इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें एक ही टाइम में ऐड कर दी थी, तो ये मैंने डिफरेंट तरीके से पकाया था कीमा। मोस्टली मैं प्याज फ्राई करके फिर कीमा करती हूँ, तो ये कीमा करेला है, तो इस वजह से थोड़ा चेंज मैंने इसमें किया है। और अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हरी मिर्चें। तो व्यूअर्स, ये आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। उसके बाद अब आ जाते हैं हम करेलों की तरफ। तो व्यूअर्स, अब मैंने ये जो करेले लिए हैं, इसी ऑयल के अंदर मैंने कीमे को पकाया है। तो ये करेले मैंने फ्राई कर लिए हैं। फ्राई करने के लिए हर 2-3 मिनट के बाद ये डन हो जाएंगे। जितना टाइम लगेगा वो आपको पता लग जाएगा। तो व्यूअर्स, ये सब करेले फ्राई हो चुके हैं अच्छे से। तो अब मैं इसको मिक्स करूँगी कीमे के अंदर, और फिर मेरी डिश हो जाएगी रेडी। और आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। यम्यानो, ये अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी। अभी याला रब्बी कुमा तो कज़िबान। व्यूअर्स, ये देखें कितने मज़े के बने हैं, और आप लोग इसको खाएँ, इंजॉय करें। कोशी किचन से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।